एक अंधी भिखारिन की ममता और त्याग की हृदय स्पर्शी मार्मिक कहानी। अंधी भिखारिन मंदिर के दरवाजे पर जा खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। भीख में उसे गुजारे से अधिक ही मिल जाता था। वह दान देने वालों को दुआएं देती, लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर चल देती। झोपड़ी के नजदीक पहुंचने पर 10 वर्ष का एक बच्चा उछलता कूदता आता और उससे चिपक जाता। बच्चा कौन था, कहां से आया था, कोई नहीं जानता। कुछ वर्ष पहले उन्होंने इस बच्चे को वृद्धा की गोद में रोते हुए देखा था। वह उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। अंधी के प्यार दुलार के कारण बच्चा अंधी से हिल मिल गया। वह उसे अपनी जान से अधिक चाहती थी। वह उसे अपने से अच्छा अधिक खिलाती और पहनाती थी। अंधी ने एक हांडी अपनी झोपड़ी में छिपा कर रखी हुई थी। बच्चे कुचे पैसे वह उस हांडी में जमा करती रहती। धीरे धीरे करके अंधी की हांडी पूरी भर गई। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह बड़े देशभक्त एवं धर्मात्मा थे। कर्ज लेने वालों और अपनी पूंजी धरोहर के रूप में उनके पास रखने वालों का वहां तांता लगा रहता था। अंधी भी अपनी हांडी को आंचल में छिपाकर सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखवाने के लिए पहुंची। सेठ जी ने उसका नाम पता पूछकर उसके पैसे रख लिए। 2 वर्ष आराम से बीते। अचानक एक दिन बुढ़िया के बेटे को ज्वर ने आ घेरा। बुढ़िया ने उसका बहुत इलाज करवाया, परंतु लड़के की दशा बिगड़ती ही चली गई। उसके पास के सभी पैसे समाप्त हो गए थे। गिरती पड़ती वह सेठ जी के पास गई और अपनी पूंजी में से कुछ रुपए मांगे। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसे रुपए, मेरे पास तुम्हारी कोई हांडी नहीं है। मुनीम जी ने भी साफ इनकार कर दिया। बुढ़िया रोई, गिड़गिड़ाई, परंतु सेठ जी का मन ना पिघला। हारकर वह अपनी झोपड़ी में वापस आ गई। बच्चे का शरीर ज्वर के कारण तप रहा था और अंधी का कलेजा भी जल रहा था। वह बच्चे को गोदी में उठाकर सेठ जी की कोठी के बाहर जा बैठी। सेठ जी के नौकर सभी प्रयत्न करके हार गए, पर बुढ़िया टस से मस ना हुई। अंत में सेठ जी को स्वयं बाहर आना पड़ा। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी शक्ल उनके पुत्र मोहन से बहुत मिलती थी। 8-9 वर्ष पहले वह एक मेले में खो गया था। उन्हें याद हो आया कि मोहन की टांग पर एक लाल रंग का निशान था। उन्होंने अंधी के बच्चे का पांव देखा, वहां पर वह लाल चिन्ह मौजूद था। उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का खोया हुआ मोहन है। उन्होंने उसे खींचकर कलेजे से लगा लिया। उसे लेकर वे अंदर चल दिए और डॉक्टर को बुला भेजा। अंधी चीखती चिल्लाती रही, पर सेठ जी ने उसकी एक ना सुनी। बोले, यह बच्चा मेरा इकलौता बेटा मोहन है। छोटा था तो मेले में खो गया था, अब इसे ना जाने दूंगा। सेठ जी ने बच्चा नहीं लौटाया। अंधी रोती झीकती अपनी झोपड़ी में लौट आई। दूसरे दिन बच्चे का ज्वर कुछ कम हुआ। उसने आंखें खोल दी और अपनी माँ के लिए तड़पने लगा। सेठानी को देखकर उसने मुंह फेर लिया, कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया। ज्वर फिर बढ़ने लगा। डॉक्टर ने अंधी बुढ़िया को लाने की सलाह दी। हारकर सेठ जी गाड़ी लेकर अंधी की झोपड़ी में पहुंचे। अंधी एक फटे पुराने टाट पर रो रही थी। सेठ जी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, वह बार बार तुझे पुकार रहा है, जल्दी चल उसे बचा ले। माँ की ममता रो उठी। बुढ़िया कोठी में पहुंचकर बच्चे से लिपट गई। ममता का एहसास पाकर उसने तुरंत आंखें खोल दी। वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा, किंतु उसने कभी भी अंधी माँ का पल्लू नहीं छोड़ा। 15 दिन बाद मोहन पूर्णतः चलने फिरने लायक हो गया। अंधी ने सेठ जी से विदा मांगी। वह स्वाभिमानी महिला किसी भी कीमत पर कोठी में रहने को राजी नहीं हुई। चलते समय सेठ जी ने उसके रुपयों की हांडी उसे देनी चाही। अंधी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान खिल उठी। अपना असली धन, यह बच्चा तुम्हारी झोली में डाल दिया सेठ जी, अब इन रुपयों का क्या मूल्य। यह धन तो मैंने अपने इस लाल के लिए ही एकत्रित किया था, इसी पर वारती हूं, कहकर वृद्धा लाठी टेकती हुई वहां से चल दी। सेठ जी ने अंधी भिखारिन के त्याग के सम्मुख घुटने टेक दिए।
इस समय सेठ जी याचक थे और वह दाता थी।